हेलो फ्रेंड्स, तो बर्निंग इश्यूज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए आज डिस्कस कर लेते हैं आज का एडिटोरियल। आज है 6 अक्टूबर और आज फ्राइडे है। देखते हैं कौन सारे आर्टिकल आज द हिंदू में आए हुए हैं। देखिए द हिंदू के एडिटोरियल का पेज देखेंगे तो ये थ्योरी एंड प्रैक्टिस के नाम से लेफ्ट में एक एडिटोरियल आया है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये CPI और BJP की आइडियोलॉजी और उससे रिलेटेड जो क्लैशेज हो रहे हैं उससे रिलेटेड है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट बहुत आर्टिकल है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। डिप्लोमेसी में स्टेट का योगदान, द रोल ऑफ द स्टेट्स इन डिप्लोमेसी, ज़रूर ये क्वेश्चन आ भी सकता है, इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। और इसके अलावा एक जो आर्टिकल हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है द रिदम ऑफ द लाइफ। द रिदम ऑफ द लाइफ ये एक्चुअली जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था मेडिसिन का उससे रिलेटेड आर्टिकल है। सो आइए देखते हैं क्या कहता है आर्टिकल। देखिए जो आर्टिकल की शुरुआत होती है ये टाइम की कह रहे हैं कि टाइम और क्लॉक ने ये हमेशा लोगों की आकर्षण का केंद्र रहा है। आप सब जानते होंगे टाइम और क्लॉक के बिना तो हम आज की ज़िंदगी तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि एवरी चीज़ जो होती है एवरी थिंग वो टाइम और टाइम के रिस्पांस में ही हम उसको बात करते हैं, टाइम के रिस्पांस में ही उसको देखते हैं। जैसे हम फ्यूचर पास्ट या प्रेजेंट की बात करें या जो भी चीज़ें हम बात करते हैं वो सब टाइम के रिलेवेंस में ही बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कहते क्या हैं। ये कह रहे हैं कि एक तो नोबेल प्राइज़ जो अनाउंस किया गया है इसका मेडिसिन का, उसके अलावा जो फिज़िक्स वाला भी है उसमें भी जो ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड था उसमें भी स्पेस और टाइम का ही यूज़ था। तो ये लिख रहे हैं कि द डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स एमनेटिंग फ्रॉम द रिसेसेस ऑफ स्पेस टाइम। तो दोनों ही एक तरीके से ये कह रहे हैं कि जो नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं वो मोर और लेस टाइम से ही रिलेटेड रिसर्च पे दिए गए हैं। तो देखिए आगे क्या लिखते हैं कि जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज़ जिन्होंने जीता है वो कह रहे हैं डिस्कवरीज द मैकेनिज्म कंट्रोलिंग द इंटरनल क्लॉक्स दैट कीप टाइम इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन। यानी कि सारे लोगों में, सारे एनिमल्स में ये इंटरनल क्लॉक्स होती है और ये जो होती है ये बॉडी की मैकेनिज्म को ये एक तरीके से मॉनिटर करती है या उसको कंट्रोल करती है। तो ये कह रहे हैं कि इंक्लूडिंग ह्यूमन सारे में ये इंटरनल क्लॉक ये पाई जाती है। और ये जो नोबेल प्राइज़ पाने वाले लोग हैं इनमें देखिए जेफरी सीहाल, माइकल रॉसबॉश एंड माइकल डब्ल्यू यंग। तो ये कह रहे हैं कि ये तीन अमेरिकन थे जिनको ये प्राइज़ दिया गया है। और इन्होंने किया क्या एक्चुअली ये बता रहे हैं कि हेल्पिंग अनरेवल जेनेटिक कोडिंग। जेनेटिक कोडिंग को इन्होंने अच्छे एक्सप्लेन किया है, जो अभी तक जिनके बारे में पता नहीं था उसको इन्होंने एक तरीके से अंडू किया है, यानी जो चीज़ें वो नहीं थी उसको उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जेनेटिक कोडिंग एंड प्रोटीन पाथवे दैट रेगुलेट द सर्केडियन रिदम। तो हमारी जो ज़िंदगी की सर्केडियन रिदम, सर्केडियन रिदम का मतलब दोस्तों ये होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हमारे बॉडी में अंदर होते हैं 2400 घंटे में, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस चलते हैं उसकी एक रिदम होती है, उसकी एक टाइम के अकॉर्डिंग एक जैसे कहते हैं ना कि लय होती है रिदम, और एक रिपीटेड सीक्वेंस में ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसी को ये कह रहे हैं कि सर्कैडियन रिदम की जेनेटिक कोडिंग और प्रोटीन के पाथवे को इन्होंने की स्टडी की है। और जो रिदम है वो ये कह रहे हैं कि विच टेल अस व्हेन इट कम्स टू द ईट। जो हमारी रिदम है वही हमें ये बताती है कि अब कब हमें खाना खाना है, कब हमें सोना है, कब हमें जगना है, और वो भी विदाउट अलार्म के। यानी कि हमारी इंटरनल ये क्लॉक ही है जो हमें बताती है कि जैसे आपको पता होगा अगर आपका एक शेड्यूल होगा नाश्ते का और खाना खाने का, लंच का, डिनर का, और या किसी काम करने का, तो आपको अचानक उस टाइम पे भूख लग जाएगी जब जो आपका शेड्यूल होगा। अगर आप 7 बजे नाश्ता करते होंगे तो अगर 7 बजेगा अगले दिन तो आपको भूख का एहसास हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको भूख लग रही है, आपको बॉडी को खाने की ज़रूरत है। सो ये इसी पे इन्होंने ये रिसर्च किया है, और ये रिसर्च इन्होंने किया है एक फ्रूट फ्लाई का यूज़ करके। फ्रूट फ्लाई जो होती है उसको इन्होंने क्या किया कि उसके एक जीन का नाम है पीरियड, उसको इन्होंने आइसोलेट किया। साइंटिस्ट आइसोलेटेड है जीन नेम पीरियड, और उसके बाद इसकी जो सर्कैडियन क्लॉक है इसको डिसरप्ट करके उस पर स्टडी की, और ये सब उन्होंने ये सब फिर उसके बाद उनको रिजल्ट मिला। एक प्रोटीन का नाम याद रखिए, प्रोटीन PR जो एक्ट करती है फंक्शनल कम्युनिकेटर का फॉर द जीन। और ये क्या होती है, रात को एक्यूमुलेट होती है, और दिन में क्या होती है ये धीरे धीरे इसका कम हो जाती है। यानी कि जो ये प्रोटीन है PR ये फंक्शनल कम्युनिकेटर का काम करती है जीन के लिए, रात में ये इकट्ठा होती है, और मतलब ये धीरे धीरे इसकी जो वो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है दिन में कम होती जाती है।
इसके अलावा देखिए ये डिटेल में फिर इसकी थोड़ी सी वो समझा रहे हैं कि कैसे इन्होंने वो किया है। इसके अलावा आगे देखें तो इसमें लिख रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग द लिंकेज बिटवीन स्लीप एंड नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड पोटेंशियली डिलीटेरियस इफेक्ट ऑफ द स्लीप डिप्रिवेशन। तो इससे ये इन्होंने लिंक एक तरीके से स्थापित किया है नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी और स्लीप में, हाँ, और उसके फिर क्या नाम है उसका इफेक्ट देखा है, और फिर स्लीप के डिप्रिवेशन का यानी कि आपको स्लीप से डिप्राइव रखा है यानी कि नींद पूरी ना होने वाली कंडीशन को भी इन्होंने स्टडी किया है। तो ये लिख रहे हैं कि जब इंसान जब व्हेन पीपल ट्रैवल अक्रॉस द डिफरेंट टाइम जोन, यानी कि जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब आप सफ़र करते हैं तो टाइम जोन वहाँ का अलग होता है। जैसे अगर आप इंडिया से यूएस जाएं या आप यहाँ से कहीं और जाएं तो वहाँ पे टाइम जोन अलग होगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि दिन हो वहाँ पे रात हो, आप वहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे आपका 7 बजे का टाइम था नाश्ता करने का, वहाँ पे आप पहुँच रहे हैं तो वहाँ पे पता चले कि उस वक्त रात है। तो ये आपकी देखिए पूरी एक तरीके से आपकी जो लाइफ साइकिल होगी या आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक होगी वो डिसरप्ट हो जाएगी। तो उसका क्या असर पड़ता है इसकी इन्होंने फिर स्टडी की है। देखिए लिख रहे हैं कि व्हेन पीपल अक्रॉस द डिफरेंट टाइम जोन चैलेंजिंग इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक टू द डिफिकल्टीज पीपल इंगेज इन शिफ्ट। इसके अलावा जो लोग शिफ्ट बेस में काम करते हैं जैसे कभी नाइट ड्यूटी हो गई या कभी नाइट शिफ्ट में लोग काम करते हैं उनकी भी जो साइकिल होती है वो बुरी तरीके से अफेक्ट होती है और उसका हजर्ड आपको देखने को मिलता है आपकी हेल्थ पे। ये दिख रहे हैं कि रिसेटिंग देयर स्लीप वेक साइकिल कंटेम्प्रेरी मेडिकल साइंस एक्नॉलेज द हजर्ड दैट लैक ऑफ द एडिक्वेट स्लीप की वजह से भी आपकी बॉडी को खतरा हो सकता है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि जो आप देख रहे होंगे आजकल हर तरह स्मार्टफोन टैबलेट कंप्यूटर टीवी स्क्रीन ये आपको हर हर जगह यानी आपके सराउंडिंग में ये पाई जाती है। आपके पास मोबाइल होती है अक्सर कंप्यूटर लैपटॉप टैबलेट वगैरह भी होते हैं। सो इनसे क्या होती है इनसे लाइट जो रेज एमिट होती हैं लाइट जो इनसे एमिट होती है वो भी आपकी बॉडी को डिसरप्ट करती है आपकी इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक को डिसरप्ट करती है। और देखिए आगे लिखते हैं एन इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिंक बिटवीन पीक फिजिकल परफॉर्मेंस। तो इसके रिसर्च का फ़ायदा क्या होगा ये लिख रहे हैं कि इससे जैसे स्पोर्ट्स में कब आपकी परफॉर्मेंस की पीक कब है यानी कि कब आप मैक्सिमम परफॉर्म कर सकते हैं उसका पता लगाया जा सकता है एंड द टाइम ऑफ द डे मतलब किस वक्त आपकी पोटेंशियल आपकी ज़्यादा होगी वो इसका। इसके अलावा कई सारी बीमारियों के इलाज में भी इसका ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये तो रहा ये आर्टिकल। इसके अलावा दूसरा आर्टिकल आइए डिस्कस कर लेते हैं जो दूसरा मैंने बताया था कि वो स्टेट का रोल डिप्लोमेसी में, और ये आर्टिकल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, ये देखिए टाइटल ये है स्टेट्स इन इंडियन डिप्लोमेसी, ये दिख रहा है दोस्तों, हाँ। तो उसके अलावा देखिए ये लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म था जो इन्होंने एक शुरू में जब ये आए थे तो इन्होंने कहा था कि पहले तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात होती थी लेकिन ये जब आए तो इन्होंने कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म की बात की थी। तो यही कह रहे हैं कि कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म का जो आइडिया था मोदी का वो अभी जो केरला में जो सुल्तान आए थे शारजा के उनका नाम है सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी, तो ये जब इन्होंने विज़िट किया था तो ये एक तरीके से ये डिस्प्ले करता है शो करता है कि ये कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म का यूज़ हो रहा है। तो एक तरीके से और कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म का मतलब ये दोस्तों हुआ कि कंपटीशन हो स्टेट्स में और कंपटीशन हो स्टेट वर्सेस नेशन इवन देश के साथ भी और प्रदेश का ये जो कंपटीशन हो वो चाहे हर ट्रेड के से रिलेटेड हो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो मतलब एनी हाउ डेवलपमेंट के लिए एक तरीके से रेस करनी है वो चाहे आप किसी से कम्पीट करें। तो ये इन्होंने लिखा। इसके अलावा एक्चुअली देखिए दोस्तों ये इस जो आर्टिकल है इसका मतलब ये है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई है कि केरला ने चूंकि इंडियन डिप्लोमेसी जो होती है वो नेशनल इशू होता है और ये पर्टिकुलरली यूनियन का ये एक्सक्लूसिव राइट है सो इसमें केरला ने इसमें एक तरीके से इसको वायलेट किया है या इसमें उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था ऐसे कुछ लोग आवाज़ उठा रहे थे तो उसी पे इन्होंने ये लिखा है। तो ये पहला पॉइंट इन्होंने बहुत अच्छे से देखिए शुरुआती की है कि ये मोदी की कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म का ही आइडिया है और इसी को केरला ने डिस्प्ले किया है। उसके बाद लिख रहे हैं कि देखिए इसका फ़ायदा देखिए लिख रहे हैं कि रूलर हैड एग्रीड टू रिलीज 149 इंडियन प्रिजनर फ्रॉम शारजा जेल। तो रूलर जो आए थे यहाँ पे तो ये 149 वहाँ पे प्रिजनर जो बंद हैं केरला के उनको उन्होंने रिलीज़ करने की बात की और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात की और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये मैं आपको बताऊँ उन्होंने ये भी कहा
कि जब इन्होंने ये कहा कि आप उन्हें छोड़ दीजिए, तो इन्होंने मतलब यहाँ के सीएम ने जब कहा केरला के कि आप उन प्रिजनर को छोड़ दीजिए, उन्होंने कहा कि ठीक है हम तो आपकी रिक्वेस्ट को मान रहे हैं, द रिक्वेस्ट आई मेड वॉज रिलीज दोज पीपल इन जेल। तो इन्होंने रिक्वेस्ट तो मान ली, इसके साथ ही उन्होंने कहा कहा कि वाई शुड दे बी रिटर्न, दे विल बी अलाउड टू लिव देयर, आई विल गिव देव जाम। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जेल से छूटने के बाद वो वापस क्यों आएंगे, मैं तो वहाँ पे खुद उन्हें रखूंगा और उनको जॉब दूंगा। देखिए ये बहुत बड़ी इन्होंने बात कही है, और इस विजिट का इन्होंने इनका फ़ायदा देखिए कितना बड़ा मिला इंडिया को, कि 150 लोग करीब को क्या नाम है ये, एक तो जेल से छोड़ रहे हैं, उसके अलावा उनको जॉब देने की भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए इन्होंने सेरेमोनियल उनके बहुत ही वार्म एक तरीके से वेलकम भी किया, और इनको डीलिट की उपाधि भी कालीकट यूनिवर्सिटी में, इन्होंने देखिए कालीकट यूनिवर्सिटी में डीलिट की उपाधि सुल्तान को दी गई। और इसके अलावा कोऑपरेशन, कमर्शियल कोऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी इन्होंने बात की है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स केरला एंड शारजा ने अनाउंस किए हैं। इसके अलावा देखिए फिर आगे ये लोकल टच, द लोकल टच देखिए लिख रहे हैं कि ये मेंशन नहीं करता है कि ये केरला के जुडिक्शन में आता है कि नहीं आता है। और हाँ ये कह रहे हैं, देखिए जो सुषमा स्वराज है हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया इससे रिलेटेड कई ट्वीट किए थे, हालांकि इस ट्वीट में उन्होंने कहीं भी देखिए डिड नॉट मेंशन द रोल प्लेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला का उन्होंने कहीं भी नाम मेंशन नहीं किया और उनके रोल को कहीं भी इन्होंने शो नहीं किया। सो एक तरीके से ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं सुषमा स्वराज को, जबकि ये क्योंकि ये जो आए थे ये स्पेशल इन्हीं के इनविटेशन पे आए थे, यहाँ पे सीएम के इनविटेशन पे ही आए थे उसके, सॉरी दोस्तों। उसके अलावा ये भी लिख रहे हैं कि जो हमारे एम्बेसडर हैं यूएई में नवदीप सूरी, वो भी तिरुवनंतपुरम में उनके साथ मौजूद थे, और डेवलपमेंट्स जितने डेवलपमेंट्स हो रहे थे, जितने अपडेट हो रहे थे, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को वो इन्फॉर्म कर रहे थे। ये फिर लिख रहे हैं कि ऑल्दो ट्रेडिशनलिस्ट मे आर्ग्यू दैट फॉरेन अफेयर्स, मैंने जैसे कहा था कि ये एक्सक्लूसिव डोमेन है यूनियन गवर्नमेंट का, सो इसमें केरला क्या नाम है, केरला ने एक तरीके से इस डोमेन को का यूज़ किया है, और सक्सेसफुल आउटकम ऑफ रिक्वेस्ट मेड बाय द केरला चीफ मिनिस्टर हैज़ बीन वाइडली अपलाउडेड, और इनकी काफ़ी वहाँ पे तारीफ भी हो रही है। ये कह ये रहे हैं कि ये तो एक्सक्लूसिव डोमेन है यूनियन गवर्नमेंट का, लेकिन केरला डिप्लोमेसी में सक्सेस रहा और यूनियन गवर्नमेंट इसमें कुछ खास नहीं इसका योगदान रहा, यानी कि केरला इट्सेल्फ हम मेक दिस ऑल व्हाट टू से लाइक दिस प्रोग्राम, और ही वाज सक्सेस टू इनवाइट हिम। सो ये कह रहे हैं कि इनका ज़्यादा रोल था जबकि ये यूनियन का डोमेन है। फिर उसके बाद ये लिख रहे हैं कि मोर ओवर द सुल्तान हैज़ स्पेशल टाइज विद केरला, और सुल्तान का जो है केरला के साथ स्पेशल टाइज रहा है। और फिर ये लिख रहे हैं कि जो मोदी का जो कॉन्सेप्ट है एक टीम इंडिया का, उसमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और क्या नाम उनकी कैबिनेट मिनिस्टर ही नहीं आती है, इसके अलावा ये चीफ सारे चीफ मिनिस्टर और उसके अलावा अदर फंक्शनरीज एज इक्वल पार्टनर, कुछ और फंक्शनरीज भी हैं वो इक्वल पार्टनर ही हैं टीम इंडिया के। तो टीम इंडिया का मतलब सिर्फ मोदी लेड गवर्नमेंट नहीं है। आगे लिख रहे हैं कि मिस्टर मोदी को ये अच्छे से पता है कि स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी मेकिंग, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में क्या यूज़ हो सकता है, क्योंकि वो 13 साल तक चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने इस रोल को और इस चीज़ को अच्छे से उसको महसूस किया है, और उन्होंने खुद एज अ चीफ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने जापान, चाइना, सिंगापुर जैसे देशों की विजिट की है, और उन्होंने अपने पोटेंशियल को शो करने की कोशिश की है, हिमसेल्फ द पोटेंशियल फॉर द स्टेट टू प्ले रोल इन सिक्योरिंग द बेस्ट डील्स फॉर देमसेल्फ विल, मतलब इंडिया की जो सेंट्रल पॉलिसी होती है उसमें भी अपने पोटेंशियल को ढूंढने की कोशिश की है, और फॉरेन पॉलिसी के थ्रू और इंटरनेशनल विजिट खुद उन्होंने की है, सो उन्हें खुद इस बात का एहसास है कि फॉरेन पॉलिसी में स्टेट का क्या रोल हो सकता है। इसके अलावा फिर चंद्रबाबू नायडू का भी ये एग्जांपल दे रहे हैं कि इन्होंने भी कई सारे विदेश गवर्नमेंट से, फॉरेन गवर्नमेंट से इन्होंने निगोशिएट किया है हैदराबाद को IT कैपिटल बनाने के लिए। इसके अलावा कई सारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को विजिट के लिए इन्होंने इन्वाइट भी वहाँ पर किया है। तो ये सारी चीज़ें देखिए ये रोल बता रहे हैं कि ऐसे इन्होंने खुद किया है, और चंद्रबाबू नायडू का भी एग्जांपल दे रहे हैं। फिर लिख लें रीमॉडलिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, तो ये कह रहे हैं कि इट्स अ नीड ऑफ आवर कि इसको रीमॉडलिंग की जाए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की,
बेसिक मैकेनिज्म फॉर स्टेट टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल नॉट ओनली इन इम्प्लीमेंटिंग। तो ये कह रहे हैं कि एक तरीके से स्टेट का जो रोल है वो सिर्फ इम्प्लीमेंटिंग फॉरेन पॉलिसी नहीं बल्कि उसके फार्मूलेट करने में भी स्टेट का क्या रोल हो सकता है, इसको वो रिमॉडलिंग या इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक और काम किया है कि एक स्टेट डिवीज़न इन्होंने बनाया है, और वो क्या करते हैं कि वो स्टेट्स के टच में रहते हैं और एक तरीके से ब्रिज बिल्डिंग ब्रिज एक तरीके से ब्रिज का काम कर रहे हैं कंट्रीज कंट्रीज जो हैं, मतलब जिनसे उनका लिंक है, जैसे केरला का ज़्यादातर डायस्पोरा जैसे यूएई वगैरह में रहता है, तो उनसे उनको लिंक करने की और उनकी जो प्रॉब्लम है तो उसको को उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक स्टेट डिवीज़न इन्होंने स्टेबलाइज किया है। इसके बाद इसके अलावा ये भी लिख रहे हैं कि आईएएस ऑफिसर हैज़ बिन आस्ड टू चूज़ अ स्टेट ईच टू अंडरस्टैंड इट्स स्पेशल रिक्वायरमेंट्स एंड टू एडवाइस देम। आईएफएस ऑफिसर जो होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस जो ऑफिसर होते हैं, उनको भी कहा गया है कि आप एक स्टेट चूज़ कर लीजिए और उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट को आप समझिए और उनको एडवाइस भी दीजिए उनके अकॉर्डिंग। इसके अलावा फिर देखिए हम यहाँ पे आते हैं, इन्हें लिख रहे हैं कि हाँ, फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा था कि इट्स हाफ इन जेस्ट, यानी ये एक तरीके से मजाक है कि दैट नो पंजाबी शुड डील विथ पाकिस्तान एंड नो तमिल शुड डील विथ श्रीलंका। यानी कि आप जब श्रीलंका पाकिस्तान से डिप्लोमेसी कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, तो उसमें पंजाबी ना आए या पंजाबी की बात ना हो या पंजाबी को इन्वॉल्व ना करें, और अगर श्रीलंका से आप बात कर रहे हैं तो उसमें तमिल को इन्वॉल्व ना करें। ये तो एक तरीके से जोक होगा, क्योंकि ये जो उनसे सारे कंसर्न हैं जो इन्हीं लोगों से ही इन्वॉल्व हैं, इन तो ये एक तरीके से वहाँ के मतलब लोकल लोकल जो रिलेशन है स्टेट से या लोकल कंसर्न्स हैं किसी स्टेट के किसी कंट्री से, वो यहाँ पे शो करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे तमिल्स जो हैं, इनके क्या होते हैं कि हमेशा इनको फिशरमैन को वहाँ पे श्रीलंका वाले पकड़ लेते हैं, मार देते हैं, सो स्पेशल तमिलियन के रिलेशन वहाँ अक्सर ख़राब रहते हैं। इसके अलावा जो पंजाबी होते हैं उनको पाकिस्तान से वो रिलेशन आप लोगों को उनके भी ऐसे ही हैं। इसके अलावा देख रहे हैं कि बट एज अ रीजनल पार्टी बिगन टू एग्जर्ट, कह रहे हैं जैसे जैसे रीजनल पार्टी का इन्फ्लुएंस नेशनल लेवल पे बढ़ता जा रहा है तो फॉरेन पॉलिसी में भी उनका यूज़ धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। स्टेट बिगन टू टू डिक्टेट टर्म्स इवन इन फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी में भी इनका योगदान बढ़ता जा रहा है। देखिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का, जब ये वहाँ पे कुछ साल पहले क्या हुआ था कि टिस्टा वाटर जो ट्रीटी थी उसको साइन करने की बात चल रही थी, सारी निगोशिएशन हो चुकी थी, उसके बावजूद मनमोहन सिंह जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे उनको इन्होंने साइन करने से रोक दिया था। सो एक स्टेट एक नेशन के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस किया और उन्होंने वहाँ पे उनको साइन नहीं करने दिया। इसके अलावा एक और केस का जिक्र कर रहे हैं ये कि ह्यूमन राइट से की काउंसिल जो होनी थी उसमें यूएस रिजोल्यूशन अगेंस्ट, तो ह्यूमन राइट काउंसिल का यूएस ने जो रिजोल्यूशन पास किया था श्रीलंका के खिलाफ, तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर को अटेंड करने से तमिलियन जो थे उन्होंने काफ़ी अपोज किया था और उनमें अटेंड करने से मना किया कर दिया गया था। जो उसके अलावा एक और केस ये जिक्र कर रहे हैं, केरला इटसेल्फ हैड इंसिस्टेड द इटालियन मरीन्स जो हु किल्ड टू फिशरमैन शुड बी ट्राइड इन इंडिया। तो केरला खुद इसने क्या किया था कि अभी आप लोगों को पता होगा कि दो इटालियन मैरिन जिन्होंने दो फिशरमैन को मार दिया था, तो वो ये कोशिश कर रहे थे कि इनकी जो ट्राई हो, इनकी जो जो भी इन पे केस चले वो इंडिया में ही हो और वहीं यहीं पे इनको पनिश किया जाए, तो केरला ने इसकी आवाज़ उठाई थी। इसके अलावा देखिए इन ऑल द केसेस, ये फिर देखिए लिख रहे हैं कि इसका इन जो एग्ज़ाम्पल दिए गए, एक कौन सा, एक बंगाल का ममता बनर्जी का, दूसरा तमिल फिशरमैन वाला, मतलब ये जो उनका प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने रोक दिया था वहाँ पे अटेंड करने के लिए, और क्योंकि देखिए वहाँ पे तमिल वाला जो केस था वो ये कह रहे थे कि जो तमिलियन जो है माइनॉरिटी में उनके जो सेफ गार्ड हैं वो उनका जो हनन हो रहा है, तो उसके उससे रिलेटेड ये था। तो इसमें उन्होंने क्या किया कर दिया था कि यूएस रेजोल्यूशन अगेंस्ट श्रीलंका इन ह्यूमन राइट काउंसिल बट आल्सो स्टॉप द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम अटेंडिंग द कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग। कॉमनवेल्थ ऑफ गवर्नमेंट हेड की जो मीटिंग होनी थी उसमें प्राइम मिनिस्टर को अटेंड करने से इन्होंने रोक दिया था, क्योंकि ये कह रहे थे कि जो तमिल माइनॉरिटी हैं उनका जो राइट्स हैं
उनके जो इंटरेस्ट है उनको सेफ गार्ड नहीं किया जा रहा। इसके अलावा केरला वाला हमने जिक्र किया, ये मैरिन से रिलेटेड जो था, इटालियन मैरिन से। तो ये कह रहे हैं कि इन ऑल दिस केसेस, इन सारे केसेस में ए लार्जर इंटरेस्ट ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोबल सीन, मतलब कि एक बड़ी पिक्चर में देखें इंडिया को एज ए नेशन, तो उसके कहीं ना कहीं उसके इंटरेस्ट को सेक्रीफाई किया गया और स्टेट कंसर्न को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दी गई, और उसके रिलैक्स पहुंचाने के लिए, उसके इजियर के लिए सिक्योरिटी के, इसके अलावा स्ट्रेटजिक जो हमारे वो पार्ट होते हैं, स्ट्रेटजिक एंड सिक्योरिटी इशू जो होते हैं, इसको भी कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है। सो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेट को प्रायोरिटी दी गई। इसके अलावा फिर आगे लिखते हैं कि हाँ, प्रेसिडेंट जिनपिंग जो अभी आए थे वो भी अहमदाबाद में आए थे, और ये पहली बार हुआ कि जब कोई किसी नेशन का जो कोई चीफ आया और हेड आया और वो दिल्ली में नहीं आया, यानी कि कैपिटल में नहीं आया और किसी स्टेट से ही चला गया। तो ये भी एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं कि ऐसा भी हो रहा है। और उसके अलावा ये दिख रहे हैं कि थिंक जो टैंक हैं उनको क्या करना चाहिए, थिंक टैंक शुड बी स्टेबलाइज इन स्टेट टू फैसिलिटेट पॉलिसी ऑप्शन एंड प्रोवाइड इनपुट टू द स्टेट। तो ये क्या कर रहे हैं कि स्टेट में भी एक तरीके से पॉलिसी, स्टेट से सेंटर को क्या करना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कुछ लोगों को वहाँ पे एक तरीके से उनकी पॉलिसी से रिलेटेड उन पॉलिसी मतलब फॉरेन पॉलिसी के लिए स्टेट को भी थिंक एक तरीके से थिंक टैंक वहाँ पे स्टेबलाइज किया जाना चाहिए, ताकि वो भी एक तरीके से फॉरेन पॉलिसी में, जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताऊँ, जैसे यूनियन जो है वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री वहाँ पे है, तो वहाँ पे सारे आईएफएस ऑफिसर होते हैं, सो वो स्पेशलाइज्ड होते हैं उसके फॉरेन पॉलिसी के। तो ये कह रहे हैं कि उसी तरीके से स्टेट में भी ऐसे चीज़ें होनी चाहिए, वहाँ भी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड स्पेशलिस्ट होने चाहिए। केरलाज शारजा डिप्लोमेसी में हैव सक्सीडेड मोर बाई चांस। और ये कह रहे हैं कि ये जो डिप्लोमेसी जो सक्सीड हुई है ये ज़्यादातर बाई चांस हुई है, क्योंकि इन्होंने वहाँ के सीएम ने उनको इनवाइट किया, वो ये आ गए, मतलब इसमें कोई डिलिब्रेट और वो एक्शन नहीं था कि इनका कि बहुत एक तरीके से प्लान वे में वो उनको बुलाया गया हो। डिलिब्रेट एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द स्टेट एंड सेंटर। सो फिर आगे ये लिख रहे हैं कि द स्टेट मस्ट आल्सो डेवलप एक्सपर्टाइज ऑन फॉरेन अफेयर्स टू बी एबल टू टेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन इन देयर इंटरेक्शन विथ फॉरेन लैंड। सो स्टेट को भी एक तरीके से एक्सपर्टाइज, वही जैसा मैंने कहा कि एक्सपर्टाइज इनको भी रखने चाहिए, ताकि वो फॉरेन अफेयर से रिलेटेड जो भी डिसीजन हो उनको वो अच्छे से ले सकें और उसमें अपनी अहम भूमिका निभा सकें, ताकि फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जितने इंटरेस्ट हैं स्टेट के वो एक अच्छे वे में किए जा सकें। सो दोस्तों, ये तो हमने दो आर्टिकल डिटेल में डिस्कस किए, आज के लिए इतना ही, और कोशिश करेंगे, दो और आर्टिकल हैं, बड़े बड़े थे इसीलिए मैंने इसको दो ही को सिर्फ डिस्कस किया, अगर वो इंपॉर्टेंट लगेंगे तो उन्हें भी डिस्कस करेंगे। आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।